उल्टे काम करने के लिए, उल्टे काम नहीं है ये, कब थेरेपी बोलते हैं इसको। क्या रखा ये? जिसने जो कहा उसके कहने पर चलते हो, जिसने जो कहा उल्टे उल्टे काम। इसे हमें खून साहब होता, खून साहब, खून साहब होता है, हाँ बॉडी का होता है खून साहब। अब निहोरत में इतनी चीजें खा रहे हो, उससे निहोरत कैसे लग रहे हैं बताओ। मैं तो गाइस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सीधा जिम से। तीनों भाई बैठे हैं हम और हम यहाँ पे आए हैं कप थेरेपी कराने के लिए। मतलब हमारे पीठ में ना कप से थेरेपी होगी और उससे ना लाल लाल निशान हो जाते हैं। कप्स होते हैं वो पीछे लगते हैं और उसमें फिर वैक्यूम जमा होता है और फिर उससे ना पूरा खून जमा हो जाता है। बैक में पूरे गोल गोल रेड रेड रसगुल्ले बन जाते हैं, लाल लाल रसगुल्ले। और उससे ना बॉडी डिटॉक्स होती है, डिटॉक्स, जितने भी टॉक्सिन है बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, खून साफ होता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आपकी बॉडी में अगर पेन है तो वो भी हील हो जाता है। मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ फायदे हैं उसके। तो आज हम करवाने वाले हैं। पहले कौन करवाएगा? आप। पहले मैं ही करवाऊंगा, फिर मेरी बारी। ये देखो भाई बॉडी, शूज भी निकाल दूं, सबसे पहले मैं करवा रहा हूं। आराम हाथ करके। ये क्या है? ये बॉडी क्रिएट करने के लिए। अच्छा, साफ करने के लिए। अच्छा क्लीनर है ये। भाई उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया भाई, तेरी स्किन इसके अंदर चली गई भैया। उठ के भाई, स्किन इसके अंदर आ गई यार, देखो पूरी भाई, खून जम गया। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कोई खींच रहा है। कैसे लग रहा है देख के? तो कराएगा भाई, इनको देख के ना थोड़ा डर भी लग रहा है, बताएं। कोई पेन नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं है, बस ये ऐसा दिख रहा है, पेन कोई नहीं है इसमें। भाई साहब क्या निशान पड़े हैं भाई, मजा आ गया। निशान है टॉक्सिन्स है। हाँ टॉक्सिन्स, ये सब टॉक्सिन्स हैं जो खून में खराबी होती है, देखो गंदगी होती है खून में, वो सब इससे बाहर आ जाती है। देखो भाई भाई मजा आ गया यार देख के। पीस कैसा लग रहा है भाई? भाई अल्टीमेट लग रहा है, बताए मजा आ गया। हो गया? हाँ अभी रुक जाओ। मैं सो गया था, नींद में तो सपना भी आ गया था। चलो भाई फाइनली। ये तो क्या मस्त लग रहा है, बताए मजा आ गया। एनिमी कैसी है? एनिमी लग रहा है, एनिमी लग रहा है, ये वाला दिख रहा है। कैसा लग रहा है भाई? खतरनाक लग रहा है, बताए। नींद तो तगड़ी आई भाई, नींद तगड़ी आई, सपने भी आ गए। अब कौन करेगा? यूज करेगा। गाइस फाइनली हो चुकी है कप थेरेपी। भाई ऐसा लग रहा था पीछे से कोई खींच रहा है लिटरली, और मैं सो गया था नींद में, मस्त एकदम रिलैक्सिंग था। मेरे बाद बारी है पीयूष की, पीयूष करवाएगा। उससे पहले हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सैंडविच खा रहे हैं, सैंडविच खाते हैं फिर कराएगा पीयूष। मजा आएगा पीयूष, मजा आएगा तेरे को। गाइस मैंने तो लाइफ में पहली बार कराई और जो रिलैक्सिंग लगा ना भाई, एकदम लिटरली नींद आ गई, मैं सपने में हूँ। जब खत्म हुआ ना उसके बाद में होगा एकदम से। चलो भाई पीयूष की बारी है। पीयूष डरियो मत, ठीक है? डरियो मत, सो जाइयो। ये देखो कुपोषित, ऐसा लगेगा कोई कोई खींच रहा तेरे को पीछे से। रिलैक्स होके सो जाइयो बस। ओके लाल ही नहीं हो रहा, खून नहीं है बॉडी में, है ना? खून की कमी है क्या? सच में कमी है खून की? मेरी बैग में भी सेम यही हो गया भाई, उठ गई स्किन, सारे पोर्स खुल गए। देखो सबसे ज्यादा खून तेरा यहाँ पे है, उठ जाओ भाई। भाई घर जाके मम्मी बोलेगी क्या लगवा लिया ये। तो अब साइल करवाया कपिंग। भाई तो एलियन लग रहा है इसके साथ देख के ऐसा लग रहा है इतना बड़ा फोड़ा हो गया तेरे पीछे, ऐसा लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। तो साइल के भी लग गए गाइस, साइल के भी एकदम लाल हो गए, इसमें खून जाता है देखो। तो फाइनली साइल ने भी करा ली, दिखाई कैसा हो गया? ओ भाई साइल का तो पूरा लाल है भाई। अब घर जाके मम्मी पता नहीं क्या बोलेगी देख के, मम्मी को तो पता भी नहीं है कब थेरेपी क्या होता है, मम्मी को हमने बताया भी नहीं हम ये करवाने जा रहे हैं। तो घर जाके मम्मी का रिएक्शन देखना। तीनों साथ में दिखाएंगे मम्मी को, तीनों साथ में सरप्राइज दिखाएंगे। सोसाइटी पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं घर। मम्मी आज हम करवा गए हैं कप थेरेपी। क्या हुआ कप? कप थेरेपी उसमें कप लगाते हैं, देखो कप लगाते हैं। एक चीज दिखाओ, ये देखो, ये देखो कैसा हो गया। एक ही लगाया बस, ट्राई कर रहा था। इतना बदतमीजी हो गया रे तो अरे थेरेपी होती है ये, एक निशान होता है, खाली एक ही करते हैं, एक ही कर रहा है, एक ही अच्छा होता है इससे, इससे दिमाग अच्छा चलता है। देखो मैं भी दिखाता हूँ, ये देखो ये देखो
ये देखो बदतमीज है रे, ये बदतमीजी है ये, कभी जा रहे हो तुम वहाँ कहाँ उल्टे काम करने के लिए? उल्टे काम नहीं है ये, कब थेरेपी बोलते हैं इसको, क्या रखा है ये, कब थेरेपी, कब थेरेपी? बॉडी के पोर खुलते हैं, बॉडी जिसने जो कहा उसके कहने पर चलते हो, जिसने जो कहा उल्टे उल्टे काम। इसे मम्मी खून साहब होता, खून साहब, खून साहब होता है, बॉडी का होता है खून साहब। अब निहरत में इतनी चीजें खा रहे हो, उससे निहरत में खून साहब। अरे हम तो आपकी बात, उससे गंदा हो रहा है जो खा रहे हैं, उससे गंदा हो रहा है, इससे साफ बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपकी बात कर रहे हैं हम तो, अब आपकी बात ये कर रहे हैं। कैसे लग रहे हैं बताओ मैं क्या कर रहे हो? मैं माया नहीं कराई, माया नहीं कराई, मैं मेरे को वो डर लगा था, देख के डर। तभी तो खा रही है, अच्छे दिख रहे हो, जो जैसा कहेगा वैसा करेंगे। कितनी बदतमीजी हो रही है, बदतमीजी क्या है इसमें? यार बेटा फिर अच्छा लग, अच्छा लग रहा हो, अच्छी चीज है वो, लगने के लिए थोड़ी है वो, तो बंद और बॉडी के अंदर पता लग रहा है कितना बढ़िया है। नहीं नहीं, एक दिन में, एक दिन में ठीक हो जाएंगे, एक दो दिन में। सारे मशीन से नहीं नहीं, एक कप होता है, कप में वैक्यूम होता है, गिलास, गिलास होता है, उसको लेते हैं ठक 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 मारते हैं, ऐसे जाता है कुछ भी नहीं हुई, तो वो मारने में होती है दर्द, बहुत दर्द हुई, खून है वो, पूरा खून निकला हुआ है, पहले पूरा खून निकलता है। अरे कुछ नहीं निकलता खून, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी था कहीं खाली कलर लगा रहे हो, हाथ लगा देखो। अब रुक जा, पता लगेगा जब पूरे शरीर में कुछ होगा ना, कुछ नहीं होगा देख ले फिर। अरे कुछ होता नहीं है इससे मम्मी, फर्जी अजीब टाइप के, फर्जी के अजीब टाइप के बनने लगे हो तुम, फर्जी। बड़ी बार एक पुशअप लगा के बता दो, एक पुशअप लगा दो, आपसे कभी जिंदगी में कुछ नहीं बोलूंगा मैं। लगनी तेरे पोषक ले, लगनी पोषक तभी आया, देखना टाइम 11 बजा दिया आने में, ये उल्टा। मुझे पता था आपका यही रिएक्शन होगा, आपको पसंद नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा, उल्टे काम करोगे तो पसंद आएगा, सारे उल्टे काम है। अब क्या ये देखो कैसा लग रहा है वाला, ये वाला लग रहा है तगड़ा, क्या कर रहा है? ये वाला तगड़ा लग रहा है, लग रहा वोट देके आ रहे हैं हम किसी को। बेटा ऐसे उल्टे काम क्यों कर रहा है बेटा, इतने अच्छे शरीर है, मजा आ गया, मैं भी करूंगा, पता नहीं बच्चों को, अच्छा लग रहा है, चलो आपको भी करवा दूंगा। मेरे को पता है क्या करते हैं, एक कप जैसा लेते हैं, उसको लेट ऐसे लेटते हैं, इसको पता है, देख लो कुनाली को पता है, आपको नहीं पता, कुनाली को पता है, देखो इसके बारे में, मैं कप रखते हैं, हाँ गंदे सी होती है, उससे सारा वैक्यूम, हाँ देखो पता है इसको, देखो आपको कैसे पता, कहाँ देखा आपने, सब देखा उसने भाई, आपको ही नहीं पता, कुनाली को भी सब पता है, देखो क्या कहने का मतलब बेटा, ये करके क्या होगा, कोई फायदा है इसको करके? बहुत फायदे हैं। क्या फायदे हैं बता? मम्मी दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा, रहन दो यार, तुम जो करते हो। तो अभी नहा के रेडी हो गया हूँ, अब ब्रेकफास्ट करते हैं, पोहा बनाया मम्मी ने, तो पोहा खाएंगे। गाइस कपिंग के बाद ना दोनों के बैक में पेन होने लग गया, तो दोनों सो गए, देखो पीयूष भी और साहिल भी दोनों सो गए, बट मेरे को तो अभी तक कोई पेन नहीं हो रहा, मुझे नॉर्मल लग रहा है एकदम। तो अब चलते हैं नए घर पे, हमारा इटालियन पत्थर आ चुका है फाइनली, देख के आते हैं कैसा लग रहा है। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ ट्रक के अंदर, और ये देखो पीछे, ये हमारा इटालियन पत्थर जो कि हमारे नए घर में लगेगा। इतना सारा पत्थर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये सीढ़ियों में लगेगा और कॉरिडोर में लगेगा और किचन में भी ये लगेगा। ये देखो कितना मोटा पत्थर है, देखो, और ये पत्थर सीधा दिल्ली से आया है, और देखो किस तरह से लेके आए, लकड़ियों के बीच में डाल के ताकि टूट ना जाए। देखो यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है, क्योंकि नेचुरल पत्थर है ना ये, तो टूटा हुआ ही होता है ये। देखो यहाँ से भी, नीचे से भी टूटा हुआ है, यहाँ से बहुत जगह से टूटा हुआ है, बहुत जगह से। और इसका प्राइस गैस कर सकते हो गाइस, इतना सा पत्थर 12-13 लाख का पत्थर है ये, इतना सा। तो अभी उतारना है सारा पत्थर, तो यहीं पे उतारेंगे, बाहर कहीं बाहर रखना पड़ेगा, घर के अंदर तो नहीं आएगा, बिकॉज बहुत ही मोटा भारी पत्थर है ना, तो बाहर ही कटेगा और फिर अंदर लेके जाएंगे इसको। फिलहाल मैं उतरता हूँ अब यहाँ से, और यहाँ पे हो रही घिसाई हमारे व्हाइट वाले पत्थर में, तो ये व्हाइट वाला पत्थर सिर्फ विंडो के लिए था, तो ये काट लिया, देखो काट के पीस बना लिया, ये विंडो के किनारे पे लग जाएगा। गाइस ये वाला तो इटालियन से महंगा है, इसलिए हमने ज्यादा नहीं लिया, बहुत ही महंगा पड़ रहा था, बहुत ही ज्यादा। और ठेकेदार साहब कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया है, बस कैसा काम चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, वो फंडल हो गया उधर का आज। तो यहाँ गाड़ी के लिए रैंप कब बनेगा? बस शुरू कर देते हैं दो तीन दिन में। दो तीन दिन में? हाँ दो तीन दिन। और फिर बाउंड्री ये पूरा ही होते आएगा साथ साथ में।
अच्छा कितना टाइम लगेगा? ये 15-20 दिन में तैयार हो जाएगा। 15-20 दिन में? हाँ। चलो बढ़िया। और आज यहाँ POP कंप्लीट होने वाली है देखो, और देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी, डबल हाइट के ऊपर खड़ा हूँ मैं अभी यहाँ पे। और यहाँ मेरे रूम में देखो पूरी प्लाई लग गई है, क्योंकि यहाँ पे ना पर्दे आएंगे, ऑटोमेटिक वाले पर्दे जो ऑटोमेटिक खुलेंगे ऑटोमेटिक बंद होंगे, इसीलिए ये लगवाने पड़े, नहीं तो नॉर्मल पर्दे तो ऐसे लग जाते। ये सेम चीज वहाँ भी होगी, बिकॉज यहाँ भी ऑटोमेटिक पर्दे लगेंगे ना, क्योंकि इतने बड़े, क्योंकि वहाँ से लेके पूरा नीचे तक एक पर्दा आएगा, तो हाथ से तो खुलेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक खुलेगा, तो यहाँ भी ऐसे ही वुडन की पैनलिंग होगी। तो अभी घर पे आ गया हूँ, अब करूँगा मैं डिनर, फिर एडिटिंग और फिर सो जाऊँगा। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाना जिम कल से, ताला लगा के रखा करो ना, ताला को छुपा दिया करो, दो ही मत इनको, कहाँ से निकलते।